बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग एंड थैंक्स फॉर कमिंग बैक। किचन विद बकर की टीम की तरफ से आपको और आपकी फैमिली वालों को हैप्पी ईद मुबारक। इसका जो ईद का डे बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाले और व्लॉग को अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, अभी आई थिंक 4 o'clock हो रहे और क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से शिनकैरी जाएंगे, वहाँ पे सबको प्लानिंग करेंगे। अभी मैं रेडी हूँ और अभी मैंने अपनी क्लॉथिंग की है। चलें भाई, आपको अपने ईद का ड्रेस बताऊंगा, तो वहाँ पे जाके हम लोग अभी यहाँ से ब्लॉग शुरू करूँ, यहाँ से हम शिनकैरी। और सुबह व्लॉग इसलिए नहीं बना सका क्योंकि आज सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थे, मामू और नाना लोगों की कुर्बानी थी, वहाँ पे थोड़ा सा काम शाम किया और आया, थोड़ा सा सोया, रेस्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था। और फिर उसके बाद अभी जाके मैं फ्रेश हुआ और मैंने ड्रेसअप हुआ और अभी यहाँ से आके व्लॉग शुरू करूँ। और पिछले दिनों आपने देखो होगा, 1 month हो गया मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही, वीडियोस पड़ी हुई हैं और एडिट हुई भी पड़ी हुई हैं, अपलोड हुई भी हैं, बस अभी पब्लिक करना रहती हैं, जिसमें फादर डे वाला व्लॉग है, थोड़ी सी चीज़ें हैं वो मैंने अप्लायंसेज लिए वो व्लॉग है, और रोड ट्रिप पे करा करम हाईवे का वो व्लॉग है। 2-3 व्लॉग्स मेरे पास पड़े हुए, इंशाल्लाह कमिंग डेज में अपलोड करूँगा। और इंशाल्लाह पिछली ईद पे बोला था कि आगे वो लोग आएंगे, बट इंशाल्लाह इस बार सच कह रहा हूँ कि इस बार वो लोग आएंगे, बिलीव मी, इस बार सच कह रहा हूँ क्योंकि अभी ईद के 3 डेज हैं और बहुत ज़्यादा इस बार प्लान्स आ चुके हैं मेरे अच्छे, इस बार मज़े की रेसिपीज भी आएंगी और व्लॉग भी आएंगे। जो मेरा कैमरा मैन है वो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं क्योंकि हमेशा की तरह मेरी तरह झूठ बोलती हूँ और कभी आगे वो लोग नहीं आते, लेकिन इंशाल्लाह इस बार प्रॉमिस नहीं, बस इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक आल टाइप ऑफ व्लॉग, कुकिंग वीडियोस, आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा। और बहुत मज़ा आएगा इस बार, आगे 1 month की पूरी छुट्टियां हैं और हम लोग एंजॉय करते रहेंगे और शगल मेला लगा रहेगा। तो चलें अभी शिनकैरी चलते हैं, वहाँ पे बारबेक्यू करेंगे, जो होगा आपको साथ साथ दिखाएंगे। एक बात लास्ट बात रहेगी, जो पीछे आप सेटअप देख रहे हैं ये अभी 2-3 दिन पहले ही किया है और ये सारा मैंने सेट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा जो था मेसी हुआ हुआ था, मेरे ये जो साइड है, मैं साइड पर सोचता हूँ और ये बहुत ज़्यादा मेसी हुआ हुआ था, यहाँ पे 10th क्लास की कॉपीज थी सारा कुछ, तब वो मैंने सेटअप किया, बट अभी भी थोड़ा सा काम रहता है, वो देख सकते हैं वहाँ पे हैंगर और वो उसके साथ पिक्स लानी है, यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग करनी है, थोड़ा सा जो है अपनी साइड को वाइब देने की कोशिश करूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आपके साथ शेयर कर सकूँ। अभी तो बस आप ऊपर ऊपर से देखें और हाँ इसको छोड़ी दें क्योंकि ये हमेशा भरा रहता है, पहले तो फिर खाता था लेकिन मम्मा हमेशा इसको रीफिल करके रख लेती हैं, बुजुर्ग खा जाते लेकिन मैं ज़रा भी नहीं खाता, ये की तरह पड़ा रहते, तो इसको हम लोग अलग व्लॉग में बताएंगे। अभी ईद मुबारक आप सबको, तो चले मेरे साथ। सो व्यूअर्स, अभी हम लोग आ चुके हैं शिनकैरी और मैंने चेंज कर दी और शाम मगरब का वक्त हो चुका है लगभग, और अभी से हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं अपने बारबेक्यू पार्टी की, तो चलें पार्टी करेंगे आज हम लोग। तो आगे आज वहाँ पे पापा जो है मसाले तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे तिक्के, आज हम लोग 2 से 3 किस्म के तिक्के ज़रूर बनाने वाले हैं, आप देखें आगे जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी क्या होता है। यहाँ पे पापा जो है, पापा जी आप टिक्के का मसाला लगा रहे हैं, सिंपल का मसाला है, सिंपल टिक्का। तो ये जो है मेरे पापा की स्पेशल रेसिपी है, ये आप मेरे पापा से पूछें, तो चलें पापा बताएं। आगा जानी एक मिनट, व्लॉग बन रहा है, मेरा दोस्त आपके दोस्त से ले है। चलें पापा आप इसके अंदर आपने क्या क्या डाला है? इसमें नमक डाले और दल मिर्च डाली है, दो दल मिर्च यानी दो दाल में डालिए, नमक डाले और ठीक है, और इसके अलावा शान मसाला जो थोड़ा सा डाला है, टिक्का मसाला ठीक है टेस्ट के लिए थोड़ा सा ओके, और इसके बाद हम लहसुन डालेंगे और अदरक डालेंगे ठीक है। तो आपको साथ साथ बताते रहेंगे और बेसिकली आज हम लोग बनाने वाले हैं 3 किस्म के टिक्के, एक सिंपल टिक्का जो होता है मसाले वाला टिक्का, दूसरा हम लोग बनाएंगे सीख कबाब और तीसरा जो बनाएंगे हम लोग मलाई बोटी। अभी मलाई बोटी का सामान मेरे पास नहीं, अभी मैं जाऊँगा सामान लेके आऊँगा तो देखें क्या होता है। तो चले यहाँ पे व्लॉग को रोकता हूँ और यहाँ से आगे फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे टिक्के को मसाला लग रहा है और ये यहाँ पे साथ में जो अदरक और लहसुन पीसी जा रही है। यहाँ पे अभी हमारी तैयारियाँ शुरू हैं, तो यहाँ पे सीख कबाब का मसाला लग चुका है और यहाँ पे सीख कबाब के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। वहाँ पे देखें पापा ने आग जला दी है और यहाँ पे अभी इसके बाद हम लोग मलाई बोटी का मसाला तैयार करेंगे। और ये देखें यहाँ पे अभी प्याज चॉप्ड हो रहे हैं फाइन चॉप, इसके अंदर हम लोग लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, तो यहाँ पे ऑनियन फाइन चॉप हो रहे हैं, इसके अंदर हम लोग जिंजर गार्लिक डाल चुके हैं, इसके बाद हम लोग इसके अंदर मिंट डालेंगे और कोरिएंडर डालेंगे। और ये देखें यहाँ पे पापा ने हम फायर जला चुकी है और इसके बाद हम लोग बारबेक्यू का अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग प्लान किया हुआ बारबेक्यू अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलें मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, फिर मिलते हैं आप।
तो व्यूअर्स ये देखें, यहाँ पे जो है मलाई बोटी का मसाला लग चुका है, सीख कबाब का मसाला लग चुका है, यहाँ पे जो है हमारी बोन्स वाली जो हैं, हड्डियों वाली जो हैं टिक्के हैं, और यहाँ पे सिंपल टिक्के, और ये सामने जो है अब हम लोगों ने टिक्के लगाना शुरू कर दिए। बारबेक्यू का बड़ा मज़े का सीन चल रहा है, साथ में हम लोगों ने मिंट सॉस भी तैयार कर दिए। तो अब हम लोग आज जो वैसे तो मैं कुकिंग करती हूँ, आज पापा लोग सारे रेडी कर रहे हैं, आगा लोग सारे मिलके, और आज मैं खाऊंगा और ये लोग कुक करें, लेकिन मसाला बनाने में हम लोगों ने सब ने मिलके मसाला लगाए और मेरी नेट की है।